उन्होंने बताया कि जैसे कि 7 महीने का टीडीएस काट रहा है 905, अपना कैलकुलेशन के हिसाब से 905 आ रहा है, 7 महीने का टीडीएस काटा, फिर 7 महीने के बाद रिवाइज हो गया सैलरी, उसका सैलरी बढ़ गया, तो फिर टीडीएस कितना आना चाहिए और फिर उसका कैलकुलेशन पूरे साल का करना चाहिए कि बाकी के बचे का बचा हुआ 5 महीने का, वही है ना, वही है ना, तो उसमें कैसा रहेगा कि जैसे कि 7 महीने तक उसका टीडीएस काटा, 7 महीने सिर्फ 905 का, 905 इंटू 7 ठीक है, जो भी है एक्सपायर ठीक है, 8000 तो उसका अभी सैलरी 50 हो गया, तो ना वापस उसका पूरे साल का करना, जैसे कि साल का मतलब 7 महीने तक इंटू 30,000 इंटू 7 और बाकी का महीना कितना बचा 5, तो सबको इसका 30 का 50 हो गया, तो 50,000 × 5 जो फिगर आएगा वो लेके वो अमाउंट लेके उसके ऊपर वापस सब कैलकुलेशन डिवाइड करके फिर जो टैक्स आएगा सबको, हाँ नहीं 7 साल का एक्चुअल सैलरी इतना है, उतना ही है, 7 के बाद उसका सैलरी 7 महीने के बाद उतना बढ़ता है, उसका रिवाइज कैलकुलेशन फॉर ट्रेनिंग फाइनल में आता है, फिर कैलकुलेशन में वापस सपोज टैक्स जब आ गया से 18,000, तो 18,000 टैक्स आ गया ऑलरेडी 8,000 कट गया, वापस 8,000 कट करके फिर जो बचेगा डिवाइड बाय 12
any employee declaring his agriculture income to his employer. And therefore, if it is done that way, then this is our calculation. So one is, first total income, non-agriculture plus agriculture, total, if you have to slab of the normal slab, tax working. One. That is tax method number A. Then another is, other than the agriculture income, so other is okay, that is still tax working. That is tax method number B. A minus B is the actual tax. अभी आगे बढ़ना है कि कुछ है ये लोग टीडीएस इन केस चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट. कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा इज ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट जॉब छोड़ देता है, दूसरे एम्प्लॉयर से जॉइन होता है, तो फिर जो नया एम्प्लॉयर रहता है उसको डिटेल्स मालूम नहीं रहता प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में उसको उसका कितना सैलरी था, उसका कितना ऑलरेडी टीडीएस कटा है वगैरह, तो जो डिटेल है वो 12 में देना पड़ता है. सो दैट इज अवे बाकी पेपर्स ऑफ सैलरी एंड टीडीएस. प्रीवियस एम्प्लॉयर टू बी सबमिटेड फॉर्म 12B के चल सकते हैं. 12B कैसे होता है? कि